पिछले एपिसोड में रॉजर्स फैमिली के साथ एक हादसा हो गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और उनके सारे पैसे और घर जल गया था। वो क्या करने वाले हैं? मिस्टर मायर्स, हमें सच में आपकी मदद की जरूरत है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस फैमिली के साथ एक भी दिन शांति से नहीं बीत सकता। हाय, हमें तुम्हें देखकर खुशी हुई। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम अपने साथ थोड़ा ही सामान ला सकते थे। मैं अपने फ्रेंड्स को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। अभी के लिए तुम ये कपड़े इस्तेमाल कर सकते हो और तुम हमारे ऑर्फनेज में रह सकते हो। इस गंदे कमरे में ये रूम स्टोरेज रूम हुआ करता था, लेकिन अगर तुम जाले हटा दो और कॉकरोचेस से पीछा छुड़ा लो तो यहाँ रहना बुरा नहीं है। आराम से रहो, इसे अपना ही घर समझो। और अब मुझे माफ करो, मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं एलन के साथ डेट पर जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। तुम्हें पता है ये उतना भी बुरा नहीं है। हाँ, यहाँ खिड़की भी है, क्या पता यहाँ से व्यू अच्छा दिखे। ये नकली है, ऐसा लगता है हमें इस बेकार बेसमेंट में ही रहना होगा। खैर, ऐसा हमेशा के लिए नहीं है। और हम लग्जरी महल में रहते थे अमीर पड़ोसियों के साथ, लेकिन कम से कम हमारे सिर के ऊपर छत है जो बहुत जल्दी गिर जाएगी अगर बच्चे इस तरह से खेलते रहे। जब आसपास मिस्टर नहीं होते, उनका जो मन करता है वो करने लग जाते हैं। गरीब फैमिली के पास अपने हालातों को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पैसों की कमी की वजह से वैनेसा को अपने कपड़े खुद ही बनाने होंगे। बुटीक जाकर अपनी पसंद की ड्रेस खरीदना बहुत आसान था। मॉम, क्या आप ठीक हो? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मेरे पास हमारी फैमिली की मदद करने का तरीका है और हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कपड़ा? नहीं, इसके पीछे जो चीज है वो हमारे काम की है। मैं तुम्हारे सामने प्रोफेशन व्हील ला रही हूँ। हम इसे ये जानने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हमें कौन सी जॉब मिलेगी। रॉक पेपर सिजर्स। ओह हाँ, मैं जीत गई। इसलिए पहले मैं स्पिन करूँगी और मुझे मिला है लॉन ड्रेस। तो मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए है। अब मुझे सही वॉशिंग पाउडर या कपड़े धोने का डिटर्जेंट चुनना होगा। ओह, ये क्या है? फैब्रिक सॉफ्टनर, सबसे ज्यादा ताकतवर। मुझे यही चाहिए था। इसकी खुशबू कैसी होगी? अच्छू मॉमी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छू, लगता है मुझे इससे एलर्जी है। अच्छू, हाँ, कपड़े धोना मेरे लिए नहीं बना। और टेलर को कौन सी जॉब मिलेगी? गुड आफ्टरनून, आओ और मुझे अपनी टिकट्स दिखाओ। तो 7th row 3rd seat। शुक्रिया। हे, मूवी शुरू हो रही है। टिकट लेकर एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठ सकते, नहीं तो लोग धक्का देकर चले जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि नई स्पाइडर बॉय मूवी में इतनी भीड़ होगी। मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। क्या ये जूतों के निशान है? तब तक मिया ने गार्डनिंग करने का सोचा। मुझे ये जॉब ज्यादा बेहतर लग रही है। मैं सुंदर गार्डन बनाऊंगी। ट्यूलिप्स, रोजेस और उनके पेटल्स, इन सब के कलर्स बहुत सुंदर होते हैं और मुझे उनकी खुशबू आ रही है। ये अजीब आवाज कैसे आ रही है? ये बजिंग जैसी आवाज है, मधुमक्खी का छत्ता। माफ करना बीस, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। शायद टेलर पर कुक का काम ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये पॉरिज खाने में अच्छा नहीं लग रहा। एंजॉय करो मिस्टर मायर्स। शुक्रिया। हाय, मैं पॉरिज खाना चाहती हूँ। जैसा आप बोलो। बॉन एपेटिट। ओह, ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है? और इसकी बदबू भी बहुत अजीब है। अच्छू, हे, ओप्स, माफ करना। और मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है? और मेरा चेहरा फिर से गंदा हो गया। आउच, नहीं, मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मैं कब से शर्ट सिल रही हूँ? मुझे लेटना है, मैं भी थक गया हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या कर रहे थे? गार्डन में काम करते समय मुझे बीज ने डंक मार दिया। क्या तुमने भी गार्डन में काम किया है? नहीं, मेरे ऊपर से सारी भीड़ गुजर गई और मेरे ऊपर पॉरिज गिर गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने अच्छा किया है, लेकिन तुम्हें अपने सपनों के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ। शुक्रिया मॉम डैड, आपने हमें सीख दी है। ही ही। ओह, हम यहाँ कैसे आए? यहाँ जगह कम है। मिया, ओह, बाय, मुझे लगता है ये जगह अच्छी है। मैं शुरू कर सकता हूँ?
हाँ, मैं स्ट्रीट पर रैपिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ठंड से डर नहीं लगता। मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। जब तक मैं जवान हूँ और मुझ में ताकत है, मेरी फैमिली ने मुझे सिखाया है और मैं वही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। टेलर अच्छा कर रहा है। लगता है रॉजर्स के किसी एक फैमिली मेंबर को असली सुपरस्टार बनने का मौका मिलेगा। अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। वाओ, मुझे प्रोड्यूसर मिल गया। मैं फायर हूँ। मेरे अंदर डिजायर है, नहीं कुछ मिसिंग है। मुझे सही लुक पता है। हाँ, मैं अभी गरीब हूँ, लेकिन कुछ भी मत सोचना, क्योंकि मैं दिल से अमीर हूँ और पैसा सब कुछ नहीं होता। मुझे लगता है ये कमाल का होने वाला है। मैं लाइव स्टार बनने वाला हूँ, क्योंकि मैं रैप का राजा हूँ। मैंने सड़कों पर शुरुआत की थी और अब मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगा। प्रोड्यूसर को मुझ में टैलेंट दिखा और उसने मुझे मौका दिया। मेरी पहली एल्बम के रिलीज होने का इंतजार करो, पहले ही खरीद लो, अच्छा रहेगा। मुझे लगता है मुझे मेरा गोल्ड माइक मिल गया। मियाँ लगातार अपने फॉर्मूलाज ठीक कर रही है। इस यंग केमिस्ट और इन्वेंटर को कुछ ऐसा बनाना है जो सोसाइटी के काम आए। नाइट्रस ऑक्साइड हर फॉर्मूला में जरूरी होना चाहिए। जब उसका भाई अपना गाना रिकॉर्ड कर रहा था तो उसने अपनी खुद की मिनी लैब बना ली। मुझे और कितनी देर तक इस तरह से बैठना होगा? ओह, आखिरकार, मुझे लगा था ये कभी खाली नहीं होगा। ये काम बिना ध्यान के नहीं हो सकता था। ये मुझे जो रिएक्शन चाहिए था वो मिल गया। मैं एक कदम और पास आ गई। जब ये तैयार हो जाएगा, मैं अपनी खोज से बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और मेरी फैमिली को गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। मैं सबको साबित कर दूंगी कि मेरे आइडियाज कितने कमाल के होते हैं। ओह, यहाँ सब कुछ इतना बड़ा क्यों हो गया है? मुझे और ध्यान देना होगा, नहीं तो अगली बार मैं हमेशा के लिए हैमस्टर बन जाऊंगी। मुझे उम्मीद है इस बार ये नहीं फटेगा। उफ़, ये रेनबो जैसा है। इसका एक ही मतलब है, मैंने कर दिखाया, मैंने बिल्कुल ठीक किया है। ये बहुत सुंदर है। केमिस्ट्री ऐसे ही यूनिवर्सिटी में मेरा मनपसंद सब्जेक्ट नहीं था। जल्द ही मैं सबको हैरान कर दूंगी। लेडीज और जेंटलमैन, मेरी खोज की प्रेजेंटेशन में स्वागत है। मेरी पीछे वाली स्क्रीन पर आपको सब दिखेगा। ये जेट पैक है जो रेनबो एनर्जी से चलता है। तुम इसे उड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करना आसान है और ये आपके और एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सेफ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, बहुत हुआ, मुझे आपके सारे सवालों के जवाब देकर खुशी होगी। मैं ये खरीदना चाहता हूँ। ये कितने का है? चिंता मत करो, ये जल्दी ही सेल पर होंगे। ऐसा लग रहा है एलन रॉजर कोई बुरा सपना देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सब बंद करो, ये सब कब खत्म होगा? अच्छा बच्चा कौन है? मैं तुम्हारा टॉय लाऊं? वो टॉय, मुझे टॉय चाहिए। यह अजीब सपना था। चिंता मत करो टीरेक्स, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं फ्रॉस्ट वर्ड के लिए कौन सी राइम चुनूं? शुक्रिया डैड, लॉस्ट कैसा रहेगा? यहाँ बहुत सारी मिट्टी है। मुझे नहीं लगा था कि मुझे हमारी मेड की इतनी याद आएगी। क्या हमारे घर कोई आने वाला था? नहीं, कौन हो सकता है? हमें अभी पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग। हेलो, रुको मिस्टर, आप कौन हो? ओह, ये मेरे प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर? हाँ, मिस्टर वॉरेन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? अगर कुछ जरूरी ना होता तो मैं इस गरीब घर में कभी ना आता। वैसे आपने मुझे हेलो नहीं बोला। जब मैंने पहली बार टेलर को देखा था, मुझे हम दोनों एक जैसे लगे थे। फिर मैंने अपना शक दूर करने के लिए पैटर्निटी टेस्ट करवाया और मैं सही था। ये मेरा असली बेटा है और मुझे उसे वो जिंदगी देनी होगी जिसका वो हकदार है। वैसे हमारे मोल्स भी एक जैसे हैं, देखो। लेकिन मैं ऑर्फिनेज में कैसे आया? ओह, ये बहुत दुख भरी कहानी है। मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे वो दिन अभी तक याद है। हमें बताओ कि क्या हुआ था? आह, मुझे माफ कर दो, एक आम सैटरडे की दोपहर थी। मैं घर के पास छोटे टेलर के साथ वॉक कर रहा था। ओह रुको बेटा, मेरे शू लेसेस खुल गए। उप्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैंने बिना लेसेस वाले शू पहने थे। अजीब है, और स्निकर्स पहनकर चलना ज्यादा आसान है। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने जिस कार पर टेलर को रखा था वो कार उसे ले गई। ओह नहीं, मेरा बच्चा कहाँ है? अब मैं उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। हमारे जादुई बर्थ मार्क्स का क्या? नहीं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। मैं आपको बहुत याद करूंगा, चलो जल्दी करो। यहाँ बहुत गरीबी है। इस बेसमेंट में रहने से अच्छा हमारे बेटे को उसके साथ रहना चाहिए। आप रो क्यों रहे हो? और टेलर कहाँ है? वो अपने असली डैड के साथ चला गया। कैसे? खैर डैड, क्यों ना हम बास्केटबॉल खेलें? मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर ऑफर है। क्यों ना तुम कॉन्सर्ट करो और मुझे पैसे कमा कर दो? अच्छा आइडिया है डैड, तुम जाओ, मैं यहाँ बैठकर अपने लिए कुछ नई सोने की चेन्स मंगवाऊंगा।
ये लो। ये क्या है? हाँ, वहाँ ज्यादा लोग नहीं आए थे तो सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एल्बम बनाओ। आप कमाल हो। आप कैसे हो? इस बार बेहतर है। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। लगता है मिस्टर वॉरेन के लिए अपने बेटे से ज्यादा पैसे जरूरी है। ये अलग बात है, पिछले कॉन्सर्ट में बहुत सारे फैंस थे। डैड, आपके मॉल को क्या हुआ? क्या ये मिट गया? नहीं, ये अभी भी यही है। तुम्हारा वहम होगा। नहीं, आप मेरे डैड नहीं हो। आप धोखेबाज हो। आपने मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हमारी टीम बहुत अच्छी थी। ये समय मेरी फैमिली के पास वापस जाने का है। मुझे हमारे बेटे की बहुत याद आ रही है। वो कैसा होगा? मुझे उम्मीद है वो खुश होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मेरी खोज कामयाब रही और मैंने इससे बहुत सारे पैसे कमाए। ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमारे साथ टेलर नहीं है हमारे लिए खुश रहना बहुत मुश्किल है। तुम सही बोल रहे हो। मैं घर आ गया। मुझे उम्मीद है मैंने कुछ मजेदार मिस नहीं किया। ये बेटा, तुम आ गए। चलो गले मिले। और हम अभी यही बात कर रहे थे कि हमने तुम्हें कितना याद किया। रुको, उस प्रोड्यूसर का क्या हुआ? तुम्हारे असली डैड वो धोखेबाज था और वो टेस्ट भी नकली था। लेकिन मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। जो भी हो, बस हमारी फैमिली फिर से साथ हो गई। एलन बेली, नहीं, ये बहुत फॉर्मल हो जाएगा। हे हनी, क्यों ना हम शादी कर लें? नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा। मेरी प्यारी एलन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे लगता है ये बढ़िया प्रपोजल रहेगा। मैं तैयार हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? हाँ मेरे क्यूटी पाई। और अब से तुम हस्बैंड और वाइफ हुए। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा मस्कारा मिट जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी शादी हो चुकी है। मुबारक हो। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई। कहीं मत जाना। सब लोग कहाँ चले गए? क्या हो रहा है? ये नए कपल को गिफ्ट देने का टाइम है। वाओ, यहाँ बहुत सारे हैं। शुक्रिया मेरी मनपसंद फैमिली। चलो हमेशा याद रखने के लिए एक पिक्चर ले। चीयर्स। ये बहुत सुंदर ब्रोमांस है। हमारी कहानी, मेरा मतलब रॉजर्स फैमिली की कहानी, खुशी से खत्म हो रही है। क्या आपको हमारी वीडियोस देखकर अच्छा लगा? अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखें।